भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इसरो से जुड़े तथ्य। फैक्ट नंबर वन, इसरो की स्थापना डॉक्टर विक्रम साराभाई द्वारा वर्ष 1969 में स्वतंत्रता दिवस के दिन की गई थी। उन्हें भारत के स्पेस प्रोग्राम का जनक कहा जाता है। फैक्ट नंबर टू, इसरो का हेड क्वार्टर बेंगलुरु में है और देश भर में इसके कुल 13 सेंटर है। फैक्ट नंबर थ्री, इसरो में लगभग 17,000 वैज्ञानिक काम करते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई वैज्ञानिकों ने अपना पूरा जीवन इसरो को समर्पित कर दिया और आजीवन विवाह नहीं करवाया। फैक्ट नंबर फोर, इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन कहते हैं। फैक्ट नंबर फाइव, आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का अंतरिक्ष विभाग पहले भारत के परमाणु विभाग के अंतर्गत हुआ करता था, पर अंतरिक्ष विभाग का काम बहुत ज्यादा था और इसलिए वर्ष 1969 में इसे इसरो के नाम से अलग संस्था बना दिया गया। फैक्ट नंबर सिक्स, अक्टूबर 2016 तक इसरो 100 से भी ज्यादा देशी और विदेशी सैटेलाइट लॉन्च कर चुका है। विदेशी सैटेलाइट्स में कई अमेरिका और रूस जैसे बड़े देशों के भी हैं। विदेशी सैटेलाइट लॉन्च करने से इसरो को 700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की कमाई हुई है। फैक्ट नंबर सेवन, चंद्रयान एक अभियान के तहत इसरो ने एक मानव रहित यान को रिसर्च के लिए चांद की कक्षा में भेजा था। फैक्ट नंबर एट, चंद्रयान 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा गया और चांद तक पहुंचने में इसे करीब 5 दिन लगे और चांद की कक्षा में स्थापित होने के लिए इसे 15 दिन का समय लगा। फैक्ट नंबर 9, वैज्ञानिकों का मानना था कि चंद्रयान 1-2 साल तक काम करता रहेगा, परंतु दुर्भाग्य 10 महीने बाद ही अगस्त 2009 को चंद्रयान से संपर्क टूटने के बाद ही इस मिशन का अंत हो गया। पर अच्छी बात यह रही कि इन 10 महीनों में ही चंद्रयान ने अपना 95% काम पूरा कर लिया था। फैक्ट नंबर 10, आपको जानकर खुशी होगी कि चंद्रयान 1 की वजह से ही भारत चांद पर पानी खोजने वाला पहला देश बन गया है। चंद्रयान ने चांद पर मौजूद चट्टानों पर पानी होने के पुख्ता सबूत भेजे थे, जिसे दुनिया की बाकी अंतरिक्ष एजेंसियों ने भी माना। फैक्ट नंबर 11, मंगलयान मिशन के तहत इसरो ने 5 नवंबर 2013 को मंगल ग्रह की ओर एक उपग्रह भेजा था, जो 298 दिन की यात्रा के बाद 24 सितंबर 2014 को मंगल की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित हो गया। फैक्ट नंबर 12, मंगलयान के मंगल पर पहुंचने के साथ ही भारत पहले ही प्रयास में मंगल में पहुंचने वाला पहला देश बन गया। इससे पहले किसी भी देश का पहला मंगल अभियान कामयाब नहीं हुआ था। फैक्ट नंबर 13, भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला एशिया का पहला देश भी है, क्योंकि इससे पहले चीन और जापान अपने मंगल अभियान में असफल रहे थे। फैक्ट नंबर 14, रॉकेट वो यान होता है जिससे उपग्रहों को छोड़ा जाता है। इसरो के पास 2 प्रमुख रॉकेट हैं, PSLV और GSLV। If you like the video, please click on the like button, write a comment, and subscribe to my channel.